एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों की हर विश पूरी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को एक अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल दें, अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ाएं, एजुकेशन प्रोवाइड करें और उसकी जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो भी फरमाइशें होती हैं, उन सबको पूरा करें। आजकल मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं। उसके लिए बच्चों को वो एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके देते हैं, उनकी हर फरमाइश को पूरा करते हैं। पर दोस्तों, हम ये गलत करते हैं। ऐसे करने से हम अपने बच्चों को पैसे की और चीज़ों की वैल्यू करना नहीं सिखा पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को पैसे की और उन चीज़ों की वैल्यू करना सिखाना बहुत ज़रूरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने बच्चों में एक पैसे की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, जिससे कि वो पैसे की वैल्यू करना सीखे। जब तक वो बड़ा हो तब तक उसके अंदर पैसे की समझ डेवलप हो सके। साथ ही मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगी कि कोई भी स्कूल कॉलेज बच्चों को पैसा अर्न करना सिखाते हैं, उस अर्न किए हुए पैसे को किस तरीके से संभाल के रखें ये नहीं सिखाते हैं। पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज तो बच्चे को आपको ही देनी पड़ेगी, इसलिए जितनी जल्दी आप अपने बच्चे को फाइनेंशियली एजुकेट करेंगे उतनी जल्दी वो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनेगा। अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। वीक में कम से कम एक बार बच्चों के साथ बैठे और उन्हीं की लैंग्वेज में, यानी बहुत इजी लैंग्वेज में, उनको पर्सनल फाइनेंस के बारे में बताएं। जो जो फाइनेंस से लेके गलतियां आपने की हैं, उन गलतियों से सीख लें और अपने बच्चों को बताएं कि ये गलतियां ना करें। अपने बच्चे को नीड और विश में डिफरेंस करना सिखाएं। अगर वो किसी ऐसी चीज की डिमांड कर रहा है, आपको लगता है उसको जरूरत नहीं है, तो उसको बोले एक पेपर पे लिखे कि उसको इस चीज की जरूरत किस लिए है। फिर भी लगता है कि अगर हाँ इस चीज की उसको जरूरत है, तो उसको फिर प्राइस कंपेयर करना सिखाएं। अपने बच्चे की जिद की वजह से या उसको खुश करने के लिए उसके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट ना लेके दें। अगर वो किसी ऐसी चीज की डिमांड करता है जो बहुत एक्सपेंसिव है, और कुछ ऐसी भी चीजें सेम चीज जो कि थोड़ी कम कॉस्ट की है, तो उसको बताएं। इन दोनों चीजों का यूज बताएं, उनका डिफरेंस बताएं, उनको बताएं कि इस चीज में इतना पैसा लगेगा और इसका भी यही यूज है, यही बेनिफिट है, जितना कि दूसरी चीज का जो बहुत एक्सपेंसिव है। इससे वो पैसे की वैल्यू करना सीखेगा। जहां पर भी आपको पैसा सेव करने का चांस मिलता है तो अपने बच्चों को बताएं। लाइक ग्रोसरी स्टोर में अगर 5-10% सेविंग ऑनलाइन रिचार्ज करने पे या कैशबैक मिलता है, ऐसी चीजों को बच्चों को गाइड करते रहें, उनको इसके बारे में बताते रहें। अपने बच्चों ने पिगी बैंक या सेविंग बैंक अकाउंट की हैबिट डेवलप करें। अगर आपका बच्चा अभी छोटा है, 5 साल से छोटा है, तो उसको एक पिगी बैंक लेके दें और उसमें उससे डेली कुछ पैसे डलवाएं। इससे उसको पैसे को सेव करने की हैबिट पड़ेगी। और अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर का है, तो उसको बैंक अकाउंट खुलवाएं और हर महीने उसको कुछ बैंक में पैसे डालने के लिए दें। जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होगा, बैंक में इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे वो थोड़ा से ही इंटरेस्ट मिले, पर उसको इंटरेस्ट की हैबिट पता लगेगी, इंटरेस्ट की वैल्यू पता लगेगी। और थोड़ा बड़ा होगा तो वो देखेगा कि उसका पैसा इतना हो गया। इस तरीके से उसको सेविंग की हैबिट डेवलप होगी। बच्चों को पॉकेट मनी की जगह कोई टास्क पूरा करने पे पॉकेट मनी जितना अमाउंट दे, इससे वो पैसे की वैल्यू करना सीखेगा। साथ ही वो जानेगा पैसा कमाना कितना मुश्किल है। उसको पता लगेगा कि मम्मी पापा कितनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, वो पैसे को वेस्ट नहीं करेगा। साथ ही उसको आदत डालें, जो भी टास्क है उसको पैसा मिला है, उसमें से कुछ पैसा वो सेविंग बैंक या पिगी बैंक में डाले, बाकी का पैसा वो जो करना चाहता है, जहाँ जो चीज खरीदना चाहता है वो खरीदे। बच्चों को सेविंग करने के लिए अप्रिशिएट करें। उन्हें बोलें जितना पैसा वो पिगी बैंक में डालेगा, उतना ही पैसा आप भी उसके पिगी बैंक या बैंक अकाउंट में डालेंगे। इससे वो सेविंग करने के लिए मोटिवेट होगा। बच्चों को बजटिंग सिखाएं। जो भी उसने टास्क पूरी करके पैसे अर्न किए हैं,
उस पैसे से उसको बजटिंग सिखाएं। सपोज उसने 300 रुपए अर्न किए हैं तो उसको बोलें 100 रुपए वो अपनी पसंद की कोई भी चीज ले सकता है, 100 रुपए उसे बोलें वो अपने पिगी बैंक या बैंक अकाउंट में सबमिट करे, 100 रुपए वो फैमिली के लिए या फ्रेंड्स के लिए या रिलेटिव्स के लिए कुछ भी गिफ्ट लेके। अपने बच्चों को डेली की शॉपिंग में इन्वॉल्व करें, उन्हें बताएं आपने कैसे बजटिंग की है। बजटिंग की हैबिट उनके फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होगी। अपने बच्चों को चीजें संभाल कर रखने के बारे में बताएं, उन्हें बताएं किस तरह से अपनी ये एक्सपेंसिव चीजें या कोई भी चीजों को संभाल कर रखें। अगर वो नहीं संभाल के रखते तो फ्यूचर में आप उनको वो गिफ्ट या चीजें लेके नहीं देंगे। फाइनली अपने बच्चे के मन में कभी भी पैसे को लेके नेगेटिव बिलीफ ना बनने दें। ऐसा कभी ना बोलें जैसे पैसे पेड़ पे नहीं रुकते, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो उसके मन में पैसे को लेके एक लिमिटेड बिलीफ बन जाएंगे और वो बिलीफ उसको कभी भी वेल्दी होने नहीं देंगे। तो बच्चे के मन में कभी भी पैसे के लिए नेगेटिव थॉट्स ना डालें। उसको ये जरूर बताएं कि पैसे का सही यूज कैसे करें, पर उसको पैसे के लिए नेगेटिव बिलीफ उसके मन में ना डालें। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी आप अपने बच्चों को फाइनेंशियली एजुकेट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो इसको शेयर जरूर करें। अगर पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आने वाली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँ। फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलूंगी अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।